हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, कतर गवर्नमेंट जो रूल्स लगा है कतर के अंदर होटल क्वारंटीन के लिए 2 दिन और 10 दिन, दोस्तों इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि आपको 2 दिन के लिए होटल बुक करना पड़ेगा कि 10 दिन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस वैकेशन गए हो और आप रिटर्न बैक टू कतर आना चाहते हो, तो आपको 2 दिन के लिए होटल क्वारंटीन बुक करना पड़ेगा कि 10 दिन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज यही आपको हम बताने वाला हूँ कि अगर आप रिटर्न बैक टू कतर आते हो तो आपको 2 दिन के लिए होटल क्वारंटीन बुक करना पड़ेगा कि 10 दिन के लिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और बहुत सारे दोस्त लोग हमको कमेंट कर रहा है कि सर मैं कितने दिन के लिए होटल बुक करूं, 2 दिन के लिए कि 10 दिन के लिए। तो दोस्तों, जितना सारा जो कन्फ्यूजन है इस वीडियो में आपको दूर हो जाएगा दोस्तों, और आप लोगों को मालूम भी पड़ जाएगा कि आप लोगों को 2 दिन के लिए होटल बुक करना चाहिए कि 10 दिन के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हो और बताते हैं कि वास्तव में क्या है। इससे पहले दोस्तों, आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि वास्तव में बात क्या है। दोस्तों बता दें कि अगर आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस से रिटर्न बैक टू कतर आते हैं, उस दौरान अगर आपको वैक्सीन नहीं लगा है तो दोस्तों आपको 10 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा कतर के अंदर। तो इसमें भी कंडीशन है दोस्तों, अगर आप कतर में थे पहले और आपको कतर में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लग चुका है और आप अपने मुल्क वैकेशन गए हैं, जैसे कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस, और उधर से आप रिटर्न बैक टू कतर आना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको 2 दिन सिर्फ क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसमें क्या शर्त हुआ दोस्तों, अगर आपको कतर में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लग चुके हैं उस दौरान आपको 2 दिन, अगर आप कतर से पहले वैकेशन गए अपने मूल को और आपको वैक्सीन नहीं लगा था कतर के अंदर और आप रिटर्न बैक टू कतर आना चाहते हो, तो आपको 10 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा दोस्तों। और एक बात और बता दे दोस्तों कि अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप नए वीसा में कतर आते हो, तो दोस्तों उस दौरान भी आपको 10 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा दोस्तों, और आपको 10 दिन के लिए होटल बुक करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि आपको लगता होगा कि आप अपने मुल्क में वैक्सीन लगा चुके हो, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस में आपको वैक्सीन लग चुका है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, और आपको लगता है कि मैंने तो वैक्सीन लगा लिया और कतर में जाके अब क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको वैक्सीन भी लग चुका है अपने मुल्क फिर भी दोस्तों आप कतर आते हो, तो उस दौरान आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा दोस्तों 10 दिन, और आपको 10 दिन के लिए होटल बुक करना पड़ेगा। दोस्तों क्लियरली रूप से बता दूं कि ये आपको जो कन्फ्यूजन था 2 दिन और 10 दिन, तो हमें लग रहा है दोस्तों कि अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो कतर गवर्नमेंट जो अप्रूव किया है जो वैक्सीन, और जो अगर आप जो कतर गवर्नमेंट जैसे लगाते हैं जॉनसन का हो गया, फाइजर का हो गया, मॉडर्ना का हो गया, और आप वो भी वैक्सीन लगा चुके हैं अपने मुल्क में, इस दौरान दोस्तों फिर भी आप कतर आते हो, तो आपको 10 दिन क्वारंटीन में रहना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपको बुझना चाहिए दोस्तों और समझना चाहिए कि आपको वैक्सीन कहाँ लगा है। अगर आपको कतर में लगा है तो सिर्फ 2 दिन, कतर में वैक्सीन नहीं लगा है तो आपको 10 दिन के लिए होटल क्वारंटीन बुक करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो बनाने का क्यों अर्थ है दोस्तों, बताना क्या कि बहुत सारे दोस्तों का अभी तक कन्फ्यूजन था और वो लोग होटल बुक नहीं कर रहा था दोस्तों, क्योंकि वो लोग को अभी तक मालूम नहीं है कि वो लोग होटल बुक करे 2 दिन के लिए कि 10 दिन के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो का आप शेयर कर देना दोस्तों, ताकि वो लोग को भी मालूम पड़ सके ये होटल क्वारंटीन के बारे में, और वो लोग भी जल्दी से जल्दी बुक कर सके होटल क्वारंटीन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले नए वीडियो में मिलेंगे दोस्तों कुछ खास लेके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको जानना है वीसा के लिए, कंपनी के बारे में कुछ इशू है दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।